हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म लेकर आया हूँ जिनका महत्व तो हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलता रहता है। दिन प्रतिदिन इनका महत्व तो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि OTP, ATM, KYC, जियो आदि की फुल फॉर्म लेकर मैं आपको आया हूँ। इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है, इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट जानने वाले हैं। और डिजिटल इंडिया है, जैसे कि आजकल जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया हम कह सकते हैं, डिजिटल इंडिया में इन वर्ड्स की फुल फॉर्म को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म पर, यानी टॉपिक पर। तो टॉपिक है हमारा ATM, OTP, KYC और एक है जियो, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ATM पर। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ATM की फुल फॉर्म होती है ए से बना ऑटोमेटिक, टी से बना टेलर, एम से बना मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यदि हम विश्व के सबसे पहले ATM की बात करें, विश्व के दुनिया के सबसे पहले ATM की बात करें, तो 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में प्रयोग किया गया था दुनिया का सबसे पहला ATM। कहाँ पे 27 जून 1967 को दुनिया का सबसे पहले ATM का प्रयोग किया गया था, वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में। ठीक है, ये समझ में आ गया, उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का पहला ATM 1987 में प्रयोग किया गया था। भारत का पहला ATM 1987 में प्रयोग किया गया था, ये कहाँ किया गया था, मुंबई में HSBC बैंक की शाखा ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, 1987 में मुंबई में यानी महाराष्ट्र में HSBC बैंक की शाखा ने पहला ATM लगाया था भारत में, यानी पहले ATM की प्रयोग हुआ था भारत में 1987 में। अब देखिए, ATM के आविष्कारक की बात यदि हम करें तो ATM के आविष्कारक रहे हैं जॉन सेफर्ड बेरोन ने दुनिया का पहला ATM बनाया, जो कि उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में प्रयोग किया गया था 27 जून 1967 को। तो देखिए, अब ATM की फुल फॉर्म आप जान चुके हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दुनिया का सबसे पहला ATM लगाया गया था 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के इनफील्ड कस्बे में। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 1987 में ATM का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था, वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ। कौन सी बैंक शाखा के द्वारा, वो हुआ HSBC बैंक शाखा ने भारत का पहला ATM लगाया। ठीक है, ATM का आविष्कारक कौन रहा है, जॉन सेफर्ड बेरोन ने ATM की आविष्कारक किया, यानी ATM की खोज की। OTP की बात हम करें तो OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, वन, ओ से बन गया वन, टी से बन गया टाइम, पी से बन गया पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। इसका आविष्कार किसने किया, देखिए इसका जो आविष्कारक माने जाते हैं, वैसे तो माने जाते हैं गिलबर्ट वेरनाम इसके आविष्कारक माने जाते हैं, लेकिन इसमें गिलबर्ट वेरनाम के साथ और भी कई व्यक्तियों का योगदान रहा है वन टाइम पासवर्ड की खोज में। देखिए, अब OTP की सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, OTP का जर्मन सरकार द्वारा 1923 में प्रयोग किया गया था OTP का। ठीक है, OTP की सबसे पहले प्रयोग हुआ जर्मन सरकार द्वारा, यानी जर्मन में 1923 में। तो OTP हमारे सामने निकल कर आता है, दुनिया की हम बात कर रहे हैं OTP की, तो वो 1923 में आया था। ठीक है, कहाँ, जर्मन में, जर्मन सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए, गिलबर्ट वेरनाम के साथ कौन 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 अन्य व्यक्तियों का योगदान रहा था, एक था जर्मन क्रिप्टोलॉजिस्ट। ठीक है, जर्मन क्रिप्टोलॉजिस्ट, एक हो गया कुंज, एक हो गया स्टोफलर, एक हो गया लैंगलोर्च, एक क्या हो गया, लैंगलोर्च। तो इन चार व्यक्तियों का भी योगदान रहा है वन टाइम पासवर्ड की खोज में, OTP की खोज में। KYC की बात यदि हम करें तो KYC की फुल फॉर्म होती है K से बन गया नो, Y से बन गया यूअर, C से बन गया कस्टमर, नो यूअर कस्टमर। यानी KYC के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को जानते हैं, अपने कस्टमर, अपने ग्राहक की पहचान करते हैं। तो ये बन गया KYC, नो यूअर कस्टमर। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो जियो की फुल फॉर्म क्या है,
जियो की फुल फॉर्म की बात यदि हम करें तो जियो की फुल फॉर्म है, जियो से बन गया, जे से बन गया जॉइंट, आई से बन गया इम्प्लीमेंटेशन, आई से क्या बन गया इम्प्लीमेंटेशन, ओ से बन गया अपॉर्चुनिटीज़, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये जियो की फुल फॉर्म है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ ये जियो की फुल फॉर्म है। बार बार इसको लर्न कर लें ताकि आपको भटकने या भूलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए जियो, जियो से क्या, यदि हिंदी में जियो को हम बोलें तो संयुक्त कार्यान्वयन अवसर, संयुक्त कार्यान्वयन अवसर। अब इसके संस्थापक कौन रहे हैं ये तो आप सभी जानते हो, मुकेश अंबानी, ठीक है, जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जियो का मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र, ठीक है, भारत के स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो संस्थापक हो गए मुकेश अंबानी, ठीक है, और फुल फॉर्म हो गई जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी फुल फॉर्म्स बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट को भी कवर कर चुके हो, समझ चुके हो। तो बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलेगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और हमारे साथ जुड़ सके। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।